क्या कर रहे हो? वीडियो बना बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिव गोपाल जी और उनके तमाम साथी मीडिया फैकल्टी जो यहाँ मौजूद है। मास कम्युनिकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के सारे छात्र, मुझे ये अचानक डेवलपमेंट हुआ, सुनील उमराव जी ने कहा कि आप आइए और एक संबोधित करिए। मैंने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र के नज़रिए से हम देखते हैं और जब लोकतंत्र के नज़रिए से देखते हैं तो मीडिया को लेकर के कोई कई सारे सवाल, कमियां, स्ट्रक्चरल जो फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी है वो, और जो मीडिया के जरिए लोकतंत्र के चौथे खंभे के पहलुए बनकर एक वॉच डॉग बनकर जो हमारे यहाँ जो तमाम लोग इस फील्ड में प्रवेश करते हैं थ्रू नंबर ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड अंडर यूनिवर्सिटी, अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, तो उनके लिए मेरी एक मुहिम है कि मीडिया को संवैधानिक दर्जा देने का भी कॉल सरकारें लें, क्योंकि मीडिया खुद समाज के, सरकार के और सिस्टम के कई सारे सवालों का बायस बनता है और उसके जरिए, मीडिया के जरिए उनके सवाल, समस्याएं, उनकी चुनौती, उनकी वस्तु स्थिति को उठाया जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, सबसे पहले जैसा कि शिव गोपाल जी ने मेरे बारे में बताया कि मैंने पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 1992 का मैं छात्र था, उसी साल मैं दिल्ली गया था बिहार के चंपारण से और उसी साल वहाँ दाखिला हो गया। फिर JNU में MPhil मैंने एडमिशन लिया, लेकिन उसी समय राष्ट्रीय सहारा अखबार नया नया खुला था तो उसमें नौकरी हो गई। उनका एक हस्तक्षेप निकलता था जो एक वैचारिक पत्रकारिता, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था, तो मैंने उस एडिटोरियल आर्टिकल से ही मेरी पत्रकारिता का करियर शुरू हुआ और उसके बाद 10 साल रहने के बाद मैं दैनिक भास्कर में ज्वाइन किया। वहाँ दिल्ली और बॉम्बे दोनों जगह काम करने और जाने का मौका मिला। तो मैं तो शुरू में लेख लिखा करता था और मुझे सीधे नेशनल ब्यूरो में जगह मिली, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्री वगैरह देखने का, तो अलग अलग अनुभव हुए। लेकिन कुल मिलाकर के ये 30 सालों की जो मेरी पत्रकारिता की के करियर की जो यात्रा रही है वो कई सारे परसेप्शन और पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में विकसित किया है। मैं ये मानता हूँ कि जो आप लोगों को एकेडमिक तरीके से पढ़ाया जाता है कि मीडिया सूचना, जानकारी और मनोरंजन, ये तीन चीज़ें जो है पब्लिक को प्रदान करता है। मीडिया शासक और शासित के बीच में एक पुल का काम करता है। मीडिया में हर समय टेक्नोलॉजी से एक तरह से रूबरू होती रहती है। शुरू में जब 19वीं शताब्दी में जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1885 में, जब अंग्रेजों ने ही भारत में एक डेमोक्रेटिक फोरम कांग्रेस पार्टी के नाम से बनाया कि भारतीयों की आवाज़ वहां से आए और उनके मतलब कि समस्याएं और उनके अंदर में जो भी छिपा है वो चीज़ मुखरित हो, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सुने और उनको रियायतें, अलग अलग तरीके के अधिकार दें। तो उसी दौरान भारत में एक बौद्धिक जागरण भी हो रहा था और बंगाल उसका बहुत बड़ा केंद्र था। आपने पढ़ा होगा कि भारत का पहला अखबार शायद बंगाल गजट है 1882 में किया, फिर युगांतर और कौन कौन सारी चीज़ें सब आई हैं मैं तो भूल गया हूँ, हमें भी पढ़ाया गया था, वो सब बंगाल उसका केंद्र था और उसके जरिए क्या हो रहा था, बौद्धिक जागरण हो रहा था, देश में एक मंथन हो रहा था, एक नया रिनेसा जो है उत्पन्न हुआ था, जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था वो भारत में बंगाल के जरिए और तमाम मीडिया के जरिए, अखबारों, पत्रिकाओं और चीज़ों के जरिए जागरण हो रहा था। और उसमें टेक्नोलॉजी क्या थी, बड़ी मुश्किल थी टेक्नोलॉजी, छापे खाने, टाइप फेस वगैरह बनाए जाते थे और बड़ी साधना का एक तरह से ये वो था मसला था। तो आप ये देखें कि आज़ादी की लड़ाई के हमारे जितने रहनुमा हुए, गांधी, गांधी से पहले और जाए राजा राम मोहन राय जो बौद्धिक जागरण के अग्रदूत थे, और उसके बाद बंगाल में जितने बड़े लीडर हुए, विपिन चंद्र पाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि अरबिंदो, ऐसे ऐसे जो आए, फिर उसके अलावा हमारे ये मौलाना आज़ाद, ये सब अल हिलाल नाम की पत्रिका निकालते थे और उसके अलावा गांधी खुद जो है 3-4 पब्लिकेशन निकालते थे अफ्रीका में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे,
तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका निकाली थी। फिर यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सब का जो है आजादी की लड़ाई थी। यहाँ हमारे आजादी की लड़ाई के जितने हमारे नायक थे, रहनुमा थे, एक तरफ वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे अपने अपने तरीकों से, कांग्रेस के एक्टिविज्म के जरिए, कभी उपवास, कभी असहयोग, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ वह बौद्धिक क्रांति भी कर रहे थे लेखों के जरिए, विचारों के जरिए, और जनमानस का पब्लिक ओपिनियन बदल रहे थे, उन्हें एकजुट कर रहे थे, एकत्र कर रहे थे और उन्हें कई सारे मैसेज दे रहे थे। और उसके बाद आजाद भारत में जब आजादी मिलती है तो लोकतंत्र को हम अपनाते हैं, और जब हम लोकतंत्र को अपनाते हैं तो हमारे मीडिया का इतिहास केवल आजादी की लड़ाई के दौरान लड़े जाने वाले एक्टिविज्म से ही केवल उसका साबका नहीं है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे शिव गोपाल जी से, तो ये हो रहा था कि जब से लोकतंत्रों का इतिहास शुरू होता है तभी से मीडिया का भी इतिहास शुरू होता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र में एक आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल है, शक्ति का पृथक्कीकरण, कि लोकतंत्र में कोई एक राजा नहीं होता कि वही न्याय भी दे, वही हुकूमत भी करे और वही राजकुमारी से शादी करे और वही युद्ध करे और वही जो है किसी को बख्शीश दे और इनाम दे। लोकतंत्र में सब चीजें नए सिरे से बदलती हैं, यहाँ पर कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों को अलग रखा जाता है। लोकतंत्र की जो इतिहास की जो पहली सीढ़ी है वो विधायिका से शुरू होती है, जो इंग्लैंड में संसद बना, संसद और राजा के बीच में लड़ाई हुई, फिर समझौता हुआ जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, कि राजा एक ट्यूटुलर हेड बना और संसद को वो पावर डेलीगेट करते गया, और शनि शनि यात्रा हुई। फिर फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1787 में हुई, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, और फ्रांस की राज्य क्रांति से लोकतंत्र के कई सारे प्रिंसिपल निकले, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म जो है स्टेट क्राफ्ट का एक बड़ा ही महान शब्द है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि राजा का काम नहीं है किसी के धर्म में वो करना, दखल करना, ये प्राइवेट मैटर है, वह बिल्कुल न्यूट्रल टू ऑल होगा हर रिलीजन। क्योंकि रिलीजन भी एक बहुत बड़ी पैरेलल संस्था थी स्टेट के सामने और उसका इतिहास ज्यादा पुराना था, तो कहीं ना कहीं धर्म का जो इंस्टीट्यूशन था, जो यूरोप में चर्च, भारत में मंदिर और इस्लाम में जो है वो मस्जिद, तो ये सब क्या थे, ये शक्ति के केंद्र थे, अध्यात्म और साधना के भी केंद्र थे और ईश्वरीय सत्ता के कहीं ना कहीं उसके एक एक्सप्रेशन देने वाले थे, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल डेमो, जो जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि डेमोक्रेसी का शब्द कैसे आया, तो डेमोस का मतलब होता है कि नगर राज्य, तो वो सारी चीजें, तो एक पैरेलल जो सत्ता हुई, लेकिन उन दोनों में भी एक कहीं ना कहीं संसद और चर्च के बीच में भी एक समझौता हुआ कि धर्म का स्थान और राजनीति का स्थान अलग होगा, इसीलिए सेकुलरिज्म की परिकल्पना है। अब ये बात अलग है कि हर चीजों का सदुपयोग होता है और हर चीज का दुरुपयोग भी होता है। नेशनलिज्म की परिकल्पना, अब आइए, पहले रियासत होते थे, रजवाड़े होते थे, अलग अलग राजा, जिसका जितना ज्यादा सेना हुई, जितने ज्यादा घोड़े, हाथी जिनके सेना में और नए नए आधुनिक अस्त्र शस्त्र रहे, उन्होंने राजपाट को कब्जा किया, अपना राज्य का विस्तार किया। लेकिन जो नेशनलिज्म की परिकल्पना आई वो एक नेशन स्टेट, जो कि इसका एक फिक्स तय हुआ कि इसका पॉपुलेशन है, इसका ये भूभाग है, इसका ये सोवरेनिटी है, वगैरह वगैरह, ऐसे करके, तो ये अलग अलग विकास यात्रा हुई है संस्थाओं की। तो लोकतंत्र को हमने अपनाया आजादी के बाद, दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों में लोकतंत्र है, और जब लोकतंत्र की बात आती है तो चार पांच उसके बेसिक प्रिंसिपल है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि कोई भी हम काम करेंगे तो कानून बनाएंगे और कानून के जरिए शासन करेंगे, ये नहीं कि कोई राजा आदेश दे दे तो वही कानून बन जाएगा, जो कि 16वें लुई फ्रांस में कहा जाता था कि राजा का आदेश ही कानून है। अब ऐसा नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली राजा हो, जब तक वह कानून नहीं बनाता, संसद और विधानमंडलों में उसकी सुपुर्ति नहीं ली जाती कानून की, तब तक वह एक तरह से वैध नहीं माना जाता, वो गजेटेड नहीं होता है। तो रूल ऑफ लॉ, उसके अलावा आपका सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये कोई एक संस्था नहीं होगी बल्कि अलग अलग संस्था होगी और सबके अधिकार होंगे। उसके अलावा ये क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी एक लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग मान करके चला गया। और फिर क्या, एक निर्वाचन पद्धति, कि हर 5 साल में एक निर्वाचन होगा जिसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव पद्धति होगी, जो कि देश में निर्वाचन कराएगा।
चुनाव इलेक्शनियरिंग हो गया, आपका सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, और कई जगह लोकतंत्रों का भी एक अलग अलग डिवीजन बना। कहीं पर की संसद की सर्वोच्चता थी, कहीं पर कार्यपालिका की सर्वोच्चता थी। हमारे यहाँ कौन सा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो कि हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड को अपनाया है और दुनिया के तमाम संविधानों की अच्छाई को भी अपनाया है, जिसमें कि अलग अलग तरीके से जैसे फंडामेंटल राइट हो पब्लिक के लिए है, डायरेक्ट प्रिंसिपल है वो सरकारों के लिए है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं बात करूंगा केवल मीडिया, आप सारे बच्चों सुनते होंगे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर आप एक स्वतंत्र रूप से अगर सोचें तो आपको लगेगा कि सचमुच मीडिया में, लोकतंत्र में मीडिया एक जरूरत है, जो है ना, जो बड़ा ही एक मोनोटोनस और स्टीरियोटाइप, 80% मीडिया के सेमिनार में केवल दो चर्चा होती है, तो मीडिया की बड़ी भूमिका थी, और दूसरा मीडिया जो है अपने पद से भटक रहा है, आपको काफी होने वाला, उसके बाद ठंड होगा, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद मीडिया के सारे स्ट्रगल क्या है, मीडिया की पूरी डायनेमिक्स क्या है, मीडिया की पूरी सोशियोलॉजी क्या है, कैसे कॉरपोरेट और मीडिया के बीच का एक तरह से लिंकेजेस बनता है, कैसे हम आप उसको, चूंकि जीविका लाइवलीहुड केवल मीडिया के लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया में सारे लोगों के लिए लाइवलीहुड एक उसकी अनिवार्यता होती है, ये लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा सच है। गांधी इतने बड़े रहनुमा हुए, देश के इतने बड़े लीडर, जो कि पूरी दुनिया जानती है, दिनों दिन उनकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है, उन्होंने ऐसे ऐसे टूल दिए। गांधी जी भी पूरे चंदे चंदा लेने के और कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस करने की बड़ी मास्टरी थी उन्हें। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मदन मोहन मालवीय ने जो है चंदे ले लेकर के BHU बनाया, मथुरा का टेम्पल बनवाया, तो मैं भी उनसे कम नहीं था, मैं भी जगह जगह से चंदे, वो वर्मा के रंगून जाते थे और उनका आश्रम चलता था और उसके अलावा सब काम होता था। लेकिन वही गांधी जी जब लॉयर थे साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने उनकी अच्छी कमाई थी और 70 एकड़ का तो उन्होंने फिनिक्स में फार्म खरीदा था, जहां पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन चलाना, कारपेंट्री करना, स्कूल में टीचिंग करना, चूंकि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड और वॉलंटरी वर्क में गांधी जी का शुरू से ही पर्सनालिटी डेवलप हो गया, जो उनके ऐसी शिक्षा दीक्षा हुई, ऐसा बैकग्राउंड मिला, साउथ अफ्रीका में भारतीयों के शोषण के खिलाफ इस तरीके से वो लड़ाई लड़े, ऐसे उसके चैंपियन बने और इतने अहिंसक तरीके से उन्होंने काम किया कि फिर वो अहिंसा के बहुत बड़े प्रोपाउंडर बन गए दुनिया में। यह ठीक है कि गौतम बुद्ध से उन्होंने वो इनलाइटमेंट प्राप्त किया था। तो मैं ये कह रहा था कि मीडिया डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, मॉडर्न सोसाइटी की जरूरत है। अब यह बात अलग है कि मीडिया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से विलग मीडिया को हमेशा चुनौती झेलना पड़ती है। जैसे कि हमने पहले कहा कि जब 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब बंगाल के जरिए मीडिया क्रांति हो रही थी, तो टेक्नोलॉजी में छापे खा लेते हो, क्योंकि बड़ा ही कष्ट साध्य था, लेकिन उसके बाद निरंतर उसका विकास होता गया। आजादी के बाद जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी, औद्योगिक क्रांति के बाद हर चीजों में तकनीकी परिवर्तन आए, तो मीडिया में भी जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, नए नए तरीके के छापे खाने आए। मुझे लगता है आपको पढ़ाया जाता होगा कहीं प्रिंट, एक हम लोग को तो पढ़ाया गया था, बाजाबता प्रिंट के टीचर होते रहिए, कैसे कैसे सनई सनई छापे खाने में जो है विकास होता गया, नई नई तरीके की मशीन आई। फिर आपको याद होगा कि सैटेलाइट से वो मशीन जुड़ गई, जैसे हिंदू अखबार पहली बार सैटेलाइट से चालित अखबार था, उसकी प्रिंटिंग वैसे होती थी। और उसके बाद 90 के दशक आते आते हमने देखा कि देश में कैसे टेलीविजन का जोर बढ़ा, दूरदर्शन को जैसे ही एक तरह से उसको स्वतंत्र किया गया, प्रसार भारती बनी, देश में सैटेलाइट अपलिंकिंग की जो नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसके बाद में सैटेलाइट चैनलों की भरमार हुई और एक टेलीविजन क्रांति हुई 90 के दशक में। और हमारे मीडिया में पढ़ने वाले तमाम बच्चे, हमारे IMC में 3-4 साल बाद के जो बच्चे हैं, उन सबका करियर टेलीविजन में एक तरह से बनने लगा। और टेलीविजन का दौर आपने देखा कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाना, एक सिनेमाई छवि मीडिया में इंसर्ट करना, एक ग्लैमर का भाव जो मीडिया में नहीं था वो टेलीविजन के जरिए आता है, रेडियो के जरिए आता है। और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि अखबार का और मैगजीन का, जो पीरियोडिकल का जो आपस में एक तरह से वो चल रहा था, टग ऑफ वॉर चल रहा था, कि मैगजीनों का काम अखबारों ने देना शुरू कर दिया अपने फीचर पेज के जरिए। 1980 में भारत में एक से एक शानदार पत्रिकाएं निकला करती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, वामा और वगैरह वगैरह, सो मेनी पीरियोडिकल्स वी हैड एट दैट टाइम।
और उसके बाद हमने ये देखा कि मैगजीनें खत्म होती गई, अखबार पढ़े, फिर अखबारों के बाद टेलीविजन का आगमन होता है। अखबार खत्म तो नहीं उतने हुए, लेकिन उनका इम्पैक्ट पहले इतना नहीं रहा। एडवर्टीजमेंट मार्केट में पहले 80% प्रिंट की हिस्सेदारी थी, 90, 95, 98 और 2000 तक की मैं बात कर रहा हूँ, और केवल इलेक्ट्रॉनिक की हिस्सेदारी 20% थी। लेकिन 2000 के बाद से सिनेरियो चेंज हो गया, आप करीब 70-80% जो है वह टेलीविजन के पास और प्रिंट के पास जो है वो 30-40% रह गया। और 2010 के बाद हमने क्या देखा कि सोशल मीडिया का आगमन हुआ डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए। तो 2010 के बाद से पूरा मीडिया का परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। अब तो रोज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। एक मेरे मित्र थे, वो कहा करते थे कि दुनिया 19वीं शताब्दी तक मेरे पिछले 5-10 लाख वर्षों के इतिहास में जितनी नहीं बदली, वो केवल 20वीं शताब्दी के 100 सालों में कई गुनी ज्यादा बदल गए। और आज 21वीं शताब्दी में वो रफ्तार कहीं और ज्यादा है। हम ये देख रहे हैं कि कैसे फेसबुक में भी नए नए वैल्यू एडेड चीजें आती हैं, उसमें क्या बोलते हैं वीडियो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। ट्विटर का तरीका बदलता जा रहा है, अब तो एक्स नाम पड़ गया उसका, इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद में जो है आप सबसे ज्यादा अभी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर यूट्यूब है, आज से नहीं 10 साल पहले से। तो यूट्यूब के जरिए अब कितना सारा नजरिया बदल गया। तो आप चूंकि स्टूडेंट हैं तो मैं ये कहूंगा, फिर इसके बाद मैं मूल मुद्दे पर आऊंगा, चूंकि मैं थोड़ा एकेडमिक इंट्रोडक्शन देना चाहता था, आप लोग को ये ना लगे कि अचानक से सीधे मीडिया की नेतागिरी की बात होने लगी। तो मैं एकेडमिक टच देने के क्रम में ये मैं कहना चाह रहा था कि मीडिया एक ऐसा वाहिद लोकतंत्र का खंभा है। ये बात अलग है कि लोकतंत्र का ये कॉन्स्टिट्यूशनल खंभा नहीं है, ऑफिशियल खंभा नहीं है, ये अनऑफिशियल है। हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि चौथा खंभा बोला जाता है तो हम सचमुच चौथा खंभा है। जब तक हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं किसी नेता का या बड़े शख्सियत का, फिल्म स्टार का, क्रिकेटर का या जो भी बड़े ब्यूरोक्रेट का, तब तक तो हमारी इज्जत है, उसके बाद हमारी कोई हैसियत नहीं है। मैं बड़ा साफ बता रहा हूँ 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो मीडिया एक वाहिद ऐसा फील्ड है कि जहाँ रोज रोज टेक्नोलॉजी का इम्तिहान देना पड़ता है। हमें याद है कि हम 1990 में पत्रकारिता शुरू की, हाथों से रपट लिखा करते थे, चाहे लेख हो या रिपोर्ट हो, फिर अखबार के टाइपराइटर उसे टाइप करते थे और फिर उसके बाद में उसकी पेस्टिंग होती थी और क्या क्या तरीका उसमें अपनाया जाता था। लेकिन 1999 और 2000 में राष्ट्रीय सहारा अखबार में ये बिल्कुल सख्त आदेश आ गया कि आप सबको कंप्यूटर सीखना है, टाइपिंग सीखनी है। अंग्रेजी तो आसान था सीखना, हिंदी बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि अलग अलग उसकी टाइपिंग होती थी, और हम लोगों पर प्रेशर पड़ा और हम 1-1.5 साल में कंप्यूटर सीख गए और कंप्यूटर से अपनी स्टोरी फाइल करने लगे। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि कंप्यूटर में भी कई तरीके सीखना, अब तो मोबाइल ने सबका स्थान ले लिया, तो सबसे बड़ा मीडियम हमारा वो मोबाइल है, कि मोबाइल के एक स्क्रीन पर आपको हर कुछ अवेलेबल है, चाहे वो गवर्नेंस हो, मीडिया हो, या आपका सोशल लाइफ हो, या लाइफ स्टाइल हो, शॉपिंग हो, ई कॉमर्स हो, सब जो है वो मीडियम आपका मोबाइल बन चुका है। अब वेबसाइट के या तमाम अखबारों के लेआउट जो बनते हैं वो मोबाइल के स्क्रीन को ध्यान में रखकर के बनाए जाते हैं, क्योंकि आज जो हमारी मोबाइल रेवोल्यूशन हमारे देश में आया कि हर हाथ को मोबाइल मिला और रोटी कपड़ा और मकान को तीन जो बेसिक नीड कहा जाता था, अब वो चौथी नीड रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल बन गया। तो हम जो है रोज टेक्नोलॉजी की इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का कोई चुनौती नहीं झेलना पड़ता। उनको आज भी ओल्ड क्लासिक्स के तरह, इंग्लैंड तो और क्लासिकल देश है, वहां तो 14वीं और 15वीं शताब्दी की परंपराएं और रवायत चल रही है। भारत में भी आज भी आप लोकसभा का सेशन सुने तो स्पीकर महोदय आएंगे तो उनका दरबार आके कहेगा कि सभासदों खड़े हो जाइए, सभा अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, सब पुरानी परंपरा है। आप कोर्ट में जाएंगे तो लाल कपड़े में और ये हथौड़ी बजाना और मतलब इंसाफ का तराजू, ये सब क्या है, सब पुराने प्रचलन और चलन है। आप दफ्तरों में जाइए तो वहां पर जो है ना, सरकारी दफ्तरों में, कार्यपालिका के दफ्तर में जाइए तो 100-150 साल पुरानी परंपरा भी चल रही है। लेकिन हम मीडिया कर्मियों को ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ता है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो मेरा ये मानना है कि जिस मीडिया समाज की इतनी बड़ी जरूरत है, और ये बात अलग है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए जब पहले परंपरागत मीडिया का बोलबाला था
तो जनता की कई सारी समस्याएं, कई सारी अभिव्यक्ति, कई सारे विचार और कई सारे लोकल प्रॉब्लम नहीं आया करते थे। वहां भी राजनीतिक सरकारों की तरह वहां भी भाई भतीजावाद होता था। मैं मीडिया का व्यक्ति हूं, लेकिन इसे मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि अखबार के संपादकीय पेज के दफ्तर पर जो वह पेज देखता था वह पूरा भाई भतीजावाद करता था, पक्षपात करता था, क्योंकि आर्टिकल रोज 300-400 आते थे और छापना एक था, तो अपना डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर लेता था। ये मेरे ये जानने वाले हैं, ये मेरी आइडियोलॉजी के से मिलता जुलता इन्होंने लेख लिखा है, तो इस तरीके का भाई भतीजावाद होता था। आप पत्र भेजते थे लेटर टू एडिटर, लेकिन केवल 3 या 4 पत्र छपते थे, बाकी लोगों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। मुझे याद है कि मैं बीबीसी रेडियो का बड़ा क्रेज था, बीबीसी रेडियो में सुना करता था, बीबीसी को कई सारे मैं पत्र लिखता था इंग्लैंड, बड़े महंगे पोस्ट डाल करके, और मैं तरस जाता था कि मेरे सवाल का कब जवाब आएगा, कभी जवाब नहीं आया। और पहली बार मेरा लेटर टू एडिटर पत्र छपा संडे मेल साप्ताहिक एक अखबार निकलता था दिल्ली से, भारत पाक महासंघ बने जो लोहिया का नारा था, जो अखंड भारत जो आज की तारीख में कहा जाता है, उस पर मेरा पहला लेटर टू एडिटर एक छोटे आर्टिकल के ही तौर पे संडे मेल में छपा। मुझे कितनी खुशी हुई मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप मीडिया में आते हैं, मैं आजकल की पीढ़ी के मानसिकता को समझ सकता हूँ, पूरे तौर पे तो नहीं जानता, वो पुरानी पीढ़ी की तरह उतने भावुक नहीं है, उतने इम्प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है। अब मीडिया को भी वो मानते हैं कि ए सॉर्ट ऑफ नौकरी ये भी है, जैसे और नौकरी है, ए सॉर्ट ऑफ डैट नौकरी मीडिया भी है। लेकिन हम लोग दूसरी भावना से आए थे, हम लोग आए थे कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना, मीडिया के जरिए वो मंच मिलेगा, अभिव्यक्ति का एक बड़ा हमें वो एक एटमोसफेयर मिलेगा कि हम जो चीज कहेंगे समाज बदलने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, हर सच्चाई प्रिवेल करे, हर अच्छाई प्रिवेल करे, वो हमें मीडिया मंच देगा। और हमारा आर्टिकल छपता था तो वो खुशी हमारी करोड़ों की होती थी, उसमें कभी पैसा मिले या ना मिले, कुछ बड़े अखबार तो उस समय दिया करते थे 400, 500, 700, नवभारत टाइम जैसे अखबार उस समय 1200 रुपये देते थे, लेकिन वो बिल्कुल सेकेंडरी था, बिल्कुल सेकेंडरी था। ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनका नाम, सम्मान, एक फ्रीडम को इंजॉय करना, अपनी अभिव्यक्ति को धार देना, और कुल मिलाकर के जो हमने पढ़ा है, अगर इंटेलेक्चुअल बेंट सॉर्ट ऑफ माइंड है तो उस चीज का हम प्लेटफॉर्म दें। ठीक है, एकेडमिक्स वाले लोग भी इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो क्लासरूम में एक कोर्स को जो है हर साल पढ़ाते हैं, लेकिन जब वह भी चाहते हैं कि वो अखबारों में लेख लिखें, कुछ नई चीज वो बता सकें, किताब लिखें, तो मैं अपनी बात बता रहा था कि सहारा और भास्कर में नौकरी करने के बाद जब मैंने अपनी पत्रिका निकाली तो एक मैं मीडिया एंटरप्रेन्योर के भी रोल में आया, क्योंकि वहाँ एडवर्टीजमेंट भी देखना है, प्रोडक्शन भी देखना है, वहाँ न्यूज और सारे आर्टिकल को कंपाइल करना है, तो कुल मिलाकर के एक वो समूचा एक्सपीरियंस मिला। लेकिन मिला जुला के हमें ये लगा कि मीडिया जो दूसरे के लिए ब्रांड बनाता है, खुद मीडिया को भी अपना एक ब्रांड बनना पड़ता है। ये कॉरपोरेट का जब तक ये चलन है तब तक मीडिया एक कॉरपोरेट एंटिटी के रूप में अगर नहीं डेवलप होता है तो मीडिया का फिर बाजार से वास्ता नहीं होता। और हम लोग दो तरफी बात करते हैं मीडिया को, हमारे मीडिया नवीसों से आप बात करेंगे क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल नए हैं, तो एक मीडिया दूसरे मीडिया पर्सन पर तंज कसता है, मीडिया नहीं कर रहा है, मीडियाबाजी नहीं कर रहा है, ये तो नौकरी कर रहा है। भैया, नौकरी और आजीविका सबका पहला सत्य है, सबको करना चाहिए, और नौकरी कर रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है। हाँ, जब बतौर मीडिया पर्सन जब आप काम करते हैं तो ये आपके मनोबल पे डिपेंड करता है, आपके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, आपके जीवन पर डिपेंड करता है कि आप कितने निष्पक्ष होकर और कितनी सही सही और खरी खरी बात लिख रहे हैं। दूसरा, रिसर्च करने में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, सच्चाई का पता आप कितने तह पे जाके लगा रहे हैं, उसके लिए आपको किताबों का भी रिसर्च करना होगा, लोगों से बात करनी होगी। पहले सुरेंद्र प्रताप सिंह एक बड़े अखबार पत्रकार हुआ करते थे, तो वो एक अपनी बात कहते थे कि मैं खबरों को इस आधार पर तौलता हूँ, इस खबर से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो वो यानी कि खबरों की जो चिकनबाजी थी वो बहुत पहले लगता है समझ गए थे, हमें तो बड़ा देर से पता चला कि ये सब भी होता है। लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि मीडिया में इतने साल के अनुभव के बाद कि कुछ खबरों को उभारा जाता है और कुछ खबरों को छिपाया जाता है।
अब जैसे कई लोग इसको गलत एंगल में कहते हैं कि छिपाने के ज्यादा और छापने के कम, तो ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग, ये मीडिया का विद्रूप रूप आ जाता है जिसको हम ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मीडिया की जो पूरी तस्वीर और तासीर है वो ये है कि मीडिया मुझे लगता है कि एक महान पेशा है, मुझे तो लगता है इससे महान कोई पेशा नहीं है, लेकिन जब व्यवहारिक दुनिया में आप जाएंगे, जब वस्तु स्थिति को देखेंगे, क्योंकि संविधान ने, विधान ने, सरकार ने, सिस्टम ने, समाज ने, ये पांचों छह लोगों ने मीडिया के सारी समस्याओं को जानने का ईमानदार प्रयास नहीं किया। वो आजकल जनता कहती क्या है कि ये मीडिया का बड़ा प्रेशर है, मीडिया ऐसे छाप देती है। क्यों छापती है मीडिया? दरअसल वो शॉर्टकट तरीके से जाती है, क्योंकि मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, मैनेजमेंट में ये पढ़ाया जाता है कि हेट अगर आप किसी से करते हैं तो वो ज्यादा बिक जाएगा, और किसी से लव करते हैं तो उसकी कम बिक्री होगी। आपको निगेटिव न्यूज देते हैं तो उसको ज्यादा उसको लोग ध्यान देते हैं, पॉजिटिव न्यूज को इग्नोर कर देते हैं। अखबारों में ये कहा भी जाता था कि नो न्यूज इफ इट इज नॉट ए निगेटिव न्यूज, इफ न्यूज इज पॉजिटिव देन इट्स नॉट ए न्यूज। अब ये एक चलन है, एक मीडिया का सगल और है कि एंटी स्टेटस कोहिजम होना, यथास्थितिवाद के खिलाफ होना। एक मीडिया का एक और प्रिंसिपल है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना, यानी सरकारों के और जो अथॉरिटी है उसके हम खिलाफ लिखेंगे। अब इसका एक मतलब है, इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमने कहा कि लोकतंत्र में सारे इदारे चेक एंड बैलेंस करते हैं। अब विधायिका की कमी न्यायपालिका निकालता है, न्यायपालिका की कमी विधायिका निकालता है, कार्यपालिका की कमी विधायिका निकालता है, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की कमी हमारा मीडिया निकालता है। और मीडिया की कमी तो निकालने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो सरकार, खास करके आजकल की सरकार, सबसे सॉफ्ट टारगेट उनका मीडिया है, कभी भी गला पकड़ सकते हैं। क्यों? न उनके पास धन है, न पैसा है, और जो बड़े बड़े संस्थान है उनको विज्ञापन चाहिए, नहीं तो सर्वाइव नहीं करेंगे। और विज्ञापन की कोई स्पष्ट और स्वतंत्र नीति नहीं है, सरकारों के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया, मीडिया नीति नहीं है हमारे पास। मेरी जो लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है कि देश में मीडिया को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, दूसरा देश में एक मीडिया नीति बने। अगर व्यापक और महान लोकतंत्र हम बनाना चाहते हैं, एक बड़ा समाज बनाना चाहते हैं, एक आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं कि जहां रियल लोकतंत्र हो, जहां पब्लिक की एक एक समस्या उद्घटित हो, जहां पर कि कोई आदमी क्या बोलते हैं निरंकुश न हो। जैसे आज लोग कहते हैं विपक्षी दल बड़े कमजोर हो गए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, सत्ता में चले जाएंगे वो भी सत्ता का चरित्र धारण कर लेंगे, और सत्ता वाले कभी विपक्ष में आ जाएंगे वो विपक्ष का फिर रोना रोने लगेंगे। लेकिन लोकतंत्र के कुछ जो परमानेंट ऑर्गन है, जो लोकतंत्र को एक तरह से हर तरीके से वो रखते हैं, वाइब्रेंट बना के रखते हैं, वॉच डॉग का काम करते हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी कहे जाते हैं, उनका अस्तित्व तो बिल्कुल आप एकदम वो बनाइए कि कोई उसको छेड़े न सके, तो उसमें कौन आएगा? उसमें न्यायपालिका का नाम लिया जाता है, न्यायपालिका की तो है स्वतंत्रता कि वो खुद इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने कॉलेजियम के जरिए खुद अपने आने वाले जजेस का भी खुद चयन कर लेते हैं। और मोदी, नरेंद्र मोदी सरकार जैसा एक शक्तिशाली सरकार, बेहद पावरफुल सरकार भी जुडिशियरी का नहीं कुछ बिगाड़ पा रही है, जबकि वो जिसको बिगाड़ना चाहे बिगाड़ती है, बिगाड़ रही है, लेकिन न्यायपालिका में जहां तक उनका चलता है उनको रोकती है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें संविधान के द्वारा न्यायपालिका को मिली है कि जहां पर की सरकार बेबस है, जैसे एक कॉलेजियम का मामला है, और भी कई सारी चीजें हैं जिसपे की सुप्रीम कोर्ट अच्छे डिसीजन भी देता है, कई बार ऑथोरिटेटिव डिसीजन देता है, कई बार ईगो वाला डिसीजन देता है, कई बार सरकार का विरोध करने के लिए भी डिसीजन देता है, और कई बार सरकार से सहमति भी बना लेता है। तो कुल मिलाकर के ये 140 करोड़ जनता की पैरवी करने वाला, उनकी एक एक आवाज को बुलंद करने वाला सबसे आसान और सही तरीका जो है वो हमारा मीडिया है। और अब तो ऐसा नहीं है कि हम अमर उजाला के दफ्तर में जाएं, राष्ट्रीय सहारा के दफ्तर में जाएं और वहां के संपादक से मिलें कि हमारा ये प्रॉब्लम है। अब तो आपके पास मोबाइल है, ट्विटर अकाउंट खोलिए और मार दीजिए, उसमें FB है उस पर लेकर के खोल दीजिए किसी भी। अब आजकल क्या है कि पॉलिटिशियन में एक फैशन चला कि पहले उनके पास समस्याएं आती थी वो समस्या को नहीं सुनते थे, लेकिन वही ट्वीट किया जाता था तो वो ट्वीट पर वो मंत्री बड़ा बड़ा सुन भी लेता था। हमने तमाम मंत्रियों को देखा है कि जनता की शिकायतों का निवारण उनके ट्वीट के जरिए हो गया, और बजाबता अखबार में वो खबर भी छपती है कि फलाने मंत्री ने ट्वीट के जरिए जो है ना फलाने का फलाना समस्या दूर कर दिया।
तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छे अच्छे चीजें भी हुई हैं, लेकिन तमाम वो चीजें जो होनी जरूरी है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं। चूंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे शिक्षक गण अच्छे से जानते हैं कि मीडिया में अभी मौजूदा स्वरूप कैसा चल रहा है। बिल्कुल दो धड़े में मीडिया बढ़ गया है, एक डिमार्केशन लाइन बन गई, एक विभाजन रेखा की। जैसे कि जुडिशियरी में कोई ये नहीं कह सकता कि ये भाजपा की जुडिशियरी है और ये कांग्रेस की जुडिशियरी है या विपक्ष की जुडिशियरी है। वहां लोग ये मानते हैं कि संविधान का इदारा है और वह जो भी करेगा वो सही करेगा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए करेगा और देश के भले के लिए करेगा। लेकिन मीडिया बिल्कुल एक विभाजन रेखा खींच गई है, एक पक्ष का मीडिया और एक विपक्ष का मीडिया। विपक्ष के मीडिया के लिए चूंकि बहुत चारे नहीं मिल पाते तो वो यूट्यूब पर चले जाते हैं, और जो सत्ता पक्ष का मीडिया वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता यदि वो सरकार के धुन में वो थिरके नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या ये अच्छी स्थिति है? मुझे तो अच्छी स्थिति नहीं लगती। मुझे लगता है कि सरकार में भी जो सच्ची सोच वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम प्राप्त हैं, उन्हें भी लगता होगा कि लोकतंत्र में अगर मीडिया बिल्कुल स्वच्छंद स्वतंत्र और मेरिट के आधार पर एनालिसिस नहीं करेगा, पब्लिक ओपिनियन नहीं बनाएगा, तो फिर लोकतंत्र का उससे भला नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और राहुल गांधी शायद वो शायद भारत जोड़ो यात्रा के बाद या किसी और कोई उन्होंने किया था, शायद उनको गुजरात के कोर्ट से शायद वो बरी हुए थे उसके बाद वगैरह वगैरह। तो वो तो ये दिखाते हैं कि देखो मैं तो ऐसा लीडर हूँ कि मैं मीडिया से मिलता हूँ, मीडिया का सवाल लेता हूँ, हमारे वहां महीम मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। अब वो तो बात बेमानी है, मुझे तो याद है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े आदर्शवादी प्रधानमंत्री भी विपक्ष मीडिया को उन्होंने भी वो नहीं किया। क्योंकि ये है, उसका वजह यह है कि आप कितने मीडिया को करेंगे, आप करना है तो सारे मीडिया से करिए और सबके सवालों का जवाब दीजिए, तो कोई इसकी मोडस ऑपरेंडी बनानी होगी। तो राहुल गांधी ने के पास कई सारे सवाल आए, तो उनका एक सवाल जो था, अब आम तौर पे कोई भी मीडिया कर्मी जाएगा तो उसको तो लगेगा कि मैं कोई वो तो हूं नहीं, मेरी भी अपनी ऑथोरिटी है, मेरे भी अपने मेरी सोच है, तो बीजेपी के पास जाएंगे तो हम एंटी बीजेपी सवाल करेंगे और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो हम एंटी कांग्रेस सवाल करेंगे। तो राहुल गांधी से एक सवाल थोड़ा सा बीजेपी फ्रेंडली आ गया, तो राहुल गांधी ने तुरंत उसका उत्तर दिया, आप लगता है ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये सवाल आप कहीं और जगह से लेके आए। अब ये कितना गलत रिएक्शन था राहुल गांधी का, वो ये मान के चलते हैं कि मीडिया तो बिल्कुल बौद्धिक दिवालिया है, मीडिया तो केवल एक जो है ना अभिकर्ता है, एजेंट है, उसका अपना कुछ है ही नहीं और वो पार्टियों से ही गाइड होता है। एक समय था जब हम लोग आईएमसी में बड़े बड़े धुरंधर लोग आते थे क्लास लेने, तो वो कहते थे कि मीडिया पर्सन जो होते हैं वो बॉन्ड क्वालिटी वाले होते हैं, कि आगे जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं उसका कम है। अब ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट जब तक नहीं आएगा तब तक आप ऑथोरिटेटिव सवाल अपने सामने वालों से करने का कॉन्फिडेंस आप में नहीं, इसलिए ऐसा सोचना पड़ता है। और मैंने तो अपने समय में देखा है, जब मैं मीडिया के प्रति बड़ा ही आसक्त था या बड़ा ही फैसिनेटेड था, तो मैं देखता था कि सारी समस्याओं का समाधान तो हमारे मीडिया के पास है, ये नेता वगैरह सब तो केवल ये फर्जी है सब, और उनको गाइड करने का काम हमारा मीडिया करता है। अब हालांकि वो परिपाटी थोड़ा सा मेरा चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा भी चेंज नहीं हुआ है जो आजकल के हमारे मीडिया पर्सन अपने ही पैसे को खुद ही सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं। और सीधे सीधे आप अगर एक मीडिया में कोई एक करप्शन करने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो न्यूज का करप्शन करे या व्हाटएवर एनी करप्शन, इफ ही डिड और लोग बदनाम बाद में करेंगे, सबसे पहले उसका साथी मीडिया पर्सन ही उसको सबसे पहले बदनाम करता है। हमारे मीडिया के लोग इतने ज्यादा महान है, कुछ जरूरत से ज्यादा महान, कि नौकरी करेंगे तो करेंगे तो मीडिया नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अगर कोई मीडिया कर्मी कोई किसी नेता से मिल लिया तो अगले मीडिया पर्सन को लगेगा नहीं, इसको तो ये नेता बड़ा महत्व दे रहा है, मैं नहीं मान दे रहा। ये गुलाम मानसिकता है। मेरा मतलब है मीडिया को इस गुलाम मानसिकता से मुक्ति दिलाना, मेरा मतलब है कि मीडिया को बिल्कुल एक गौरवशाली स्थान दिलाना, लोकतंत्र में सचमुच का इसको चौथा खंभा बनाना, मीडिया को सूचना जानकारी मनोरंजन के इतर पूरे समाज में बौद्धिक जागरण का अग्रदूत बनाना, और मीडिया के जरिए जो समाज में सिस्टम में और सरकार में जितनी कमी है, जितने व्यतिक्रम है, जितने विपर्यय है और जितनी विसंगति है,
जो अलग अलग कारों विकारों और चारों के रूप में दिखाई देती है, भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, तिरस्कार, व्यभिचार, बलात्कार, जितने चार और कार है, जितनी समस्याओं से भरा हमारा समाज है, उसको आगे ले जाने का, उसको पहलुए का काम हमारा मीडिया कर्मी करता है। और मीडिया कर्मी को वो स्थान गौरव कम से कम उससे मिले। लेकिन सिस्टम में क्या होता है कि आप एक बार नेता बन गए, एक बार मंत्री बन गए, बाकी सब वाहियात पे होते हैं, आप ही भगवान है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही, अब मैं आपको एक एक पर्चे और दे दूं, पता नहीं उचित होगा कहना कि नहीं, मैं लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा एक बार या दो बार बिहार में। तो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री होते थे राम सुंदर दास, तो मरमने राम सुंदर दास से मेरी अच्छी जान पहचान थी, आना जाना था। तो राम सुंदर दास को मैंने कहा कि आप नीतीश जी से आप खुद जो है मेरे बारे में आप बात करिए। तो उन्होंने एक अच्छी, इतनी अच्छी बात कही कि आप एक मीडिया पर्सन है, इतने बड़े मीडिया पर्सन है, आपने इतना काम किया है, चूंकि ये हमारा सिस्टम और समाज केवल नेताओं को ही सबसे सर्वोच्च स्थान देता है और बाकियों के लिए आदर सम्मान ओहदा प्रतिष्ठा नहीं है, तो आप उस तरफ जो है इंक्लाइंड है, अन्यथा आप इंक्लाइंड नहीं होते। मैं उनकी बात को 100% नहीं 200% सच मानता हूं, क्योंकि माहौल ऐसा है कि इस तरीके। अब ये बात अलग है कि हर व्यक्ति का, हर पेशे में उसका अपना व्यक्तित्व होता है, उसका अपना पर्सनैलिटी होता है, उसका अपना संस्कार, अपना ज्ञान, अपना नैतिकता, और व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रिंसिपल से गाइड होता है। चाहे हमको ईमानदार बनना है समाज में, चाहे हमको योग्य बनना है, गुणवान बनना है, परमार्थी बनना है, हमें संवेदनशील बनना है, ये व्यक्तिगत चीजें हैं, और इवन की ईमानदारी भी, और ये हर आदमी का अपना अपना है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आप क्यों नहीं ईमानदार बन रहे हो, क्यों आप नैतिकता को घो रहे हो। मुझे लगता है उनको कहने के पहले मुझे खुद अपने आप को एक तरह से मॉडल बनाना होगा, रोल मॉडल बनाना होगा, कि जनता अपने आप समझेगी। गांधी में तो यही फर्क था और नेता में और गांधी में, कि गांधी जो कहता था वो खुद करता था। गांधी ने खुद जो है मॉडल बने, वो हर चीज को उन्होंने दिखाया, पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी, बड़ी बड़ी फिलोसफी, बड़े बड़े एक्टिविजी, बड़े बड़े ताकत, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग आए, लेकिन गांधी ने जो उनके 8, 9, 10 जो मेन चीजें थी, उन्होंने खुद उसको करके दिखाया और पूरी दुनिया में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। तो कुल मिलाकर के मीडिया को संवैधानिक दर्जा देने की मुहिम इस देश के लोकतंत्र के लिए है, इस देश के एक अच्छे समाज के लिए है, इस देश के संविधानवाद को और ज्यादा एक तरह से उसको मतलब प्रिवेल करे, उसके लिए। और कुल मिलाकर के जो लोकतंत्र को अगर हम वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र का मतलब केवल 5 साल में चुनाव कर देना नहीं है, लोकतंत्र का मतलब कुछ राजनीतिक दलों की मठागिरी और मठाधीश बनना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने आप में, जैसे कि पहले मतलब कि मैं धर्म का थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं, हिंदू धर्म की फिलोसफी ये कहती है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, और हर आदमी के दिमाग से वो पूरा ब्रह्मांड इस दिमाग में जो है समाहित है। उसी तरीके से लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने आप में अव्वल है और हर व्यक्ति को एक तरह से उसमें महत्ता मिलनी चाहिए, और वो महत्ता इस बात को दर्शाता है कि हम सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करें, सबके साथ एक बराबर का हम भाव रखें। अब जैसे अर्थशास्त्र की हम बात करेंगे तो भारत में प्रगति हो रही है, हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पा चुके हैं, अगले 2 साल में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश में गैर बराबरी कितनी है आप यह भी देखें। यह सचमुच की बात है, और कुछ गैर बराबरी है जो कि जन्म के आधार पर है, जैसे कोई अडानी के घर में पैदा होता है, किसी का वश नहीं है, कोई रिलायंस के घर में पैदा होता है, कोई अंबानी और शिव दासानी के घर में पैदा होता है, इस पर हमारा वश नहीं है। लेकिन जब हम सिस्टम समाज में जब आते हैं तो हमें ऐसा परिवेश और वातावरण मिलना चाहिए जो कि सबके साथ एक बराबर ट्रीटमेंट करे। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स बता दूं कि हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स है। ऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स केवल 10% है, अनऑर्गेनाइज्ड 12% है। सादे लैंग्वेज में कहें तो आपके यहाँ जैसे कि परमानेंट टीचर है और क्या बोलते हैं टेम्पोररी टीचर है, उसी तरीके से हमारे यहाँ गैर बराबरी का मैं आपको लाइन बताता हूँ। 8-10 शहर बनाम गांव, उद्योग बनाम कृषि,
संगठित बनाम असंगठित, ब्लू कॉलर बनाम व्हाइट कॉलर जॉब, दिहाड़ी बनाम परमानेंट जॉब, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े बच्चे बजाय देसी माध्यम से पढ़े बच्चे, ऊंची जाति और नीची जाति, वह भी एक है जिसको हमें स्वीकार करना होगा। बड़ा अच्छी बात है कि वो भेद दूर हो रही है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स उसको जिंदा रखती है और वो एक अलग विषय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हमारे लोकतंत्र में मैं तो बात अभी मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया को इम्पावर्ड करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लोकतंत्र में चार बड़े फंडामेंटल प्रॉब्लम है। पहली है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति। पहचान का मतलब क्या, भारत एक हेट्रोजीनस देश है, जाति धर्म भाषा और काम, इन चार के आधार पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पहला अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। कोई जाति का मामला ले लेगा, कोई धर्म का मामला ले लेगा, कोई प्रांत का ले लेगा, सारे साउथ के जितने दल है ना वो सब प्रांत के आधार पर, और चौथा भाषा, भाषा के आधार पर। इसको बोलते हैं पहचान की राजनीति। अब जैसे भारत में जाति की राजनीति चली तो धर्म की राजनीति है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे तरफ वैसी हैं। जाति की राजनीति की तो भरमार है, अखिलेश यादव, लालू यादव, फलाना यादव, ये सब जातिवादी राजनीति के सब है, ये सब डेमोक्रेसी को खोखला करते हैं। उसी तरीके से दूसरी है मनी और मसल की राजनीति, 2M। मनी में धर्म की सत्ता, कैसे लोकतंत्र में जो है अच्छे अच्छे लोगों को चुनाव जिताती है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कैसे धन का संग्रह करती हैं। धन्ना सेठों का बहुत बड़ा रोल है, ये बात अलग है कि टीएन सेशन ने उसको रेगुलेट किया, लेकिन अभी भी टेबल के नीचे से पॉलिटिकल पार्टी धन का दुरुपयोग करती हैं लोकतंत्र में, और धन सत्ता अपना इस्तेमाल करता है। मसल के लिए वोट कैप्चिंग बंद हो गई, अपराधी सब जेल में जाते हैं, लेकिन आप यह तय मानिए कि हम बुद्धिजीवियों की पॉलिटिकल पार्टी में डिमांड सबसे कम है, और जितने बड़े रसूख वाले लोग हैं उनको अलग अलग आवरण में उनको डाल करके डिमांड उन्हीं की पॉलिटिक्स में जा रहा है। मसल फैक्टर अभी भी येन केन प्रकार काम कर रहा है। और तीसरा है पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स, जिसको बोलते हैं लोक लुभावन राजनीति, लोकप्रियतावाद की राजनीति। वो एक नया ट्रेंड चला है कि खजाना खाली करो, जनता को ललचाओ, और उसमें कोई फ्री का दे रहा है बस, कोई फ्री का पानी, कोई फ्री का बिजली, कोई फ्री का अनाज, 5 साल का राज इन्होंने भी तय कर दिया है। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था को खोखला और कंगाल करते हैं। उसकी कोई एक पॉलिसी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए, हैव से हैव नॉट की ओर ट्रांसफर करिए, लेकिन आप जो है ना पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए खजाना खाली कर लोक लुभावनवाद की राजनीति करते हैं। और चौथा है इंस्टिगेटिव एंड हेट स्पीचे, कि आप सभा में जाइए और ऐसी तकरीर करिए कि डिविजन लाइन बिल्कुल खिंच जाए, वर्ग शत्रु और वर्ग मित्र की विभाजन रेखा स्पष्ट हो जाए। वर्ग शत्रु का मतलब है कि हमारा जो एंटी है, जैसे कि हिंदू लोग मुसलमान का विरोध करेंगे, मुसलमान लोग हिंदू का विरोध करेंगे, ऊंची जातियां नीची जातियां का विरोध करेंगी, नीची जातियां ऊंची जाति का विरोध करेंगी, साउथ के लैंग्वेजेज हिंदी लैंग्वेज वालों का विरोध करेंगे, प्रांत वाले उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम की बात करेंगे, सब रीजनलिज्म भी होता है। तो इस तरीके की जो ये जो चार चीजें हैं, तो हेट स्पीच देना, अब जैसे कि आप कहते हैं, जैसे मीडिया में एक टर्म चलता है सेंसेशनलिज्म, कि बिल्कुल एक तरह सड़क भड़क और कुछ ऐसी खबरें कॉम्पैक्टेड लगाओ और ऐसा स्कैंडलस न्यूज लगाओ कि आपका रातों रात मीडिया चर्चित हो। वैसे ही हमारे पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ऐसे किरदार आते हैं जो ऐसे दंगे लगाने वाली भाषा बोलेंगे, पब्लिक एकदम वो हो जाती है, ध्यान देने लगती है। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब के चैनल में क्या होता है, हेडिंग कुछ और, अंदर कंटेंट कुछ और, कंप्लीट फेक न्यूज आता है, क्योंकि मीडिया पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ। अब अखबारों में काम करते हैं तो आपको वहां सो कॉल्ड विरोधी मीडिया बनिए, कोई अंध विरोधी मीडिया बने। तो मैं मीडिया में वो मुहिम चलाना चाहता हूं कि एक ऐसा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हमारे मीडिया अमंग द मीडिया पर्सन एंड मीडिया फैकल्टीज एंड मीडिया एकेडमिशियंस आए, कि मीडिया बिल्कुल लगे कि हम औरों से अलग हैं, जो हमारी पहले छवि बनी थी। लेकिन वो छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम बिल्कुल फटेहाल हैं, झोला लेकर के और फटे चप्पल पहन करके, ना कोई बाल बच्चे की चिंता ना अपनी चिंता, और बिल्कुल जो है। अब ये बात अलग है कि मीडिया में कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ तो कुछ बड़े बड़े चैनलों के कुछ दो पत्रकार हैं वो लोग करोड़ों के पर्स में आ गए, मुझे उनके प्रति सहानुभूति है, मेरा उनके प्रति कोई विरोध नहीं है, रस का भाव होता है। मुझे लगता है कि मीडिया में अपने गुण योग्यता और नैतिकता के बदौलत लोग अपना धन और सम्मान पाए, इट्स अ पर्सनल फेनोमेनन। लेकिन मीडिया एज होल, जब आप उसका एक प्रोफेशन जब आप दाखिल करते हैं, तो उस प्रोफेशन में वो मर्यादा, वो गौरव, वो सम्मान, वो आपका डेडिकेशन, वो आपका प्रो पीपल स्टांस होना चाहिए,
और समाज सिस्टम संविधान और सरकार के तरफ से भी मीडिया के लिए वो चीजें बिल्कुल एक लिखित रूप में होना चाहिए जो हमने न्यायपालिका को दिया हुआ है, जो हमने कार्यपालिका को दिया हुआ है। मुझे बड़ा बुरा लगा जब कुछ दिन पहले मैं झांसी गया था और झांसी में वहां के भी पत्रकारिता विभाग के छात्रों को मैंने संबोधित किया और वहां के प्रेस क्लब में मैं गया, तो उन्होंने एक वाक्य सुनाया कि बुंदेलखंड में जब बहुत पानी की कमी थी और पानी कर्नाटक से पानी की ट्रेन आई झांसी में, और पानी से जब ट्रेन से जब पानी उतारा जा रहा था तो कई सारे रिपोर्टर आए, बड़ी दूर थी झांसी के लिए, तो वहां के कई सारे लोकल ब्यूरो ने थोड़ा सा फोटोग्राफी करने के लिए आपस में रेलम पेल मच गई। एक फोटोग्राफर बड़ा अनफॉर्चुनेटली कोई ऊपर केबल बिजली का केबल तार था, फोटो लेने के क्रम में ऊंचाई से दिखाने के शॉट लेने के क्रम में वो तार से सट गए और वो हलाक हो गए, बेचारे की मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां के मंत्री ने कहा कि नहीं, हम इनका संस्कार राजकीय तरीके से करेंगे, माने मतलब कि सरकार की तरफ से इनका राजकीय अंतिम संस्कार किया जाए। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम मीडिया को इतना सम्मान तो मिले, ये औने पौने टाइप के नेता सब को या जो भी है, अब ये मैं कोई मोनोटोनस बात नहीं बोलना चाहता, मैं एक स्टैंडर्ड रूप में इस चीज को परोसना चाहता हूँ। तो जब उनका राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा था उस फोटोग्राफर का, तो वहां के जो ब्यूरोक्रेट थे झांसी के, चाहे वो कलेक्टर या कमिश्नर जो भी रहे, वो इतने मतलब कि हताश और इतने परेशान थे, जो हमारे सब रिपोर्टर बता रहे थे, सरकार का आदेश था तो वो राजकीय संस्कार तो कर रहे थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली बगल में बोल रहे थे व्हाट्स ब्लडी हेल कि दिस जर्नलिस्ट फेलो और दिस फोटोग्राफर फेलो इज गिवन द ऑफिशियल ट्रीटमेंट एट हिज लास्ट डिवाइस, कुछ इस टाइप का बात बोला। हमने देखिए ये ब्यूरोक्रेट का उसके अंदर का जो उसका माइंडसेट है वो बोला, वो सोचता है ये पत्रकार वैसे ही फालतू की चीजें होते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, माइक लेके चलते रहते हैं, और हम लोग के जो है ना दाल भात में ये कबाब के कबाब में हड्डी की तरह ये हर जगह हमें फील होती है। और ये बात सही है, मैंने 30 साल के पत्रकार के जीवन में देखा है कोई ब्यूरोक्रेट दिल से दे हेट मीडिया पर्सन, दे डोंट लाइक मीडिया पर्सन एट ऑल, और जुडिशियरी को मीडिया पर्सन को हेट करती ही है, वो तो मीडिया को बिल्कुल अलाउ नहीं करती, मीडिया को कहती है आपको इस दायरे में रहो उस दायरे में रहो। यूट्यूब के कई सारे प्रोग्राम में जुडिशियरी की आलोचना होती है तो उसको भी मजाक का जिक्र करते हैं, वो हिल जाते हैं, लेकिन चूंकि यूट्यूब में थोड़ा सा रेगुलेशन अभी उतना सरकारों का नहीं चल रहा है, मंत्री हो गए और ये हो गए, केवल पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडरान जो सत्ता में नहीं आए हैं वो मीडिया को पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पब्लिसिटी उससे उनको चाहिए। ठीक है, मीडिया के जरिए आप जब मीडिया का दुरुपयोग होता है तो मीडिया एक पब्लिसिटी एजेंट बन जाती है, पब्लिक ओपिनियन मेकर नहीं रह जाता मीडिया, तो जो पब्लिसिटी के लिए हमारे नेता लोग सब साथ में बैठा लेंगे, कोई हेलीकॉप्टर में बैठा लेगा, कोई कहीं बैठा लेगा, कोई बढ़िया लंच करा देगा, कहीं ठहरा देगा। तो अब चूंकि ठीक है आप लोग नए लोग हैं तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस वाली बातें बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जब आप मीडिया पर्सन या मीडिया संगठन दुनिया के तमाम समस्याओं को दूर करने के वाहक बनते हैं, हमने तो अपने जीवन में देखा कि कितनी इंटरनेशनल और नेशनल प्रॉब्लम दूर हो गई। ये पार्थिव रंग भेद एक दुनिया की बहुत बड़ी समस्या थी, उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, मैंने क्या क्या सब बड़े प्रॉब्लम थे। देश के स्तर पर देखें तो काफी प्रॉब्लम पहले से दूर हुई है, काफी अब हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, ये बात सही है। करप्शन जिस पर कि मैंने काफी किताबें लिखी हैं, आप ये किताब देख लीजिए, ये कर किताब है हमारी, एक क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन दो पार्ट में, इसकी हिंदी कोरोना काल में मुझे समय मिला तो इसकी हिंदी भी, ये भी दो खंडों में है। और सब चीजों का ये तो करप्शन डायग्नोसिस है, जैसे डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है तो ये इन्वेस्टिगेशन है और फिर उसकी जो है उसका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो फिर ये किताब है हमारी, इसकी भी हिंदी किताब है, डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज, इसमें मैंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी समस्या है, क्या अच्छे काम हुए हैं, क्या और अच्छे काम हो सकते हैं, इन रेस्पेक्टिव टू एनी आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो हमारी कांग्रेस की सरकारें नहीं हो या बीजेपी की सरकारें नहीं, सब में कोई दोष रहा है, अलग अलग तरीके का, किसी में डायनेस्टी है, किसी में डिक्टेटरशिप है, तो किसी में करप्शन है, तो किसी में जो है क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप पूछ भी सकते हैं। तो सबके अलग अलग अपने विंग्स एंड फैंसीज हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है तो सब कोई चाहेगा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो मेरे से डाउन रहे, हम अप हों। लेकिन मीडिया का काम है कि सबको एक बराबर एक दृष्टि में रखना,
लेकिन ये तब होगा कि जब संविधान हमारे लिए स्पेस देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा, कि हमें ये डर नहीं होगा कि आज हम इस मीडिया में काम कर रहे हैं तो कल को मेरा क्या होगा, कल को मेरी फायरिंग हो जाएगी। आप किसी फलने संस्थान में काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग फायरिंग आसान होता है, वर्किंग कंडीशन वहाँ अच्छे से लागू नहीं होता। अब ये चूंकि मैं जो विषय उठा रहा हूँ ये बहुत बड़े विषय हैं, इस पर घंटों बोला जा सकता है। मैंने तो इस पर काफ़ी किताबें, आर्टिकल, कई जगह मैंने चर्चाएं पर चर्चाएं की हैं देश के अनेक हिस्सों में। अभी बनारस से मेरा 3 जगह शेड्यूल है कल से, तो वो भी एक जगह मीडिया पर ही बात करनी है मुझे। तो मुझे लगता है कि चूंकि आप एक पब्लिक फील्ड के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म को आपने चुना है, मौजूदा दौर थोड़ा सा प्रतिकूल चल रहा है, उसकी वजह यह है कि सरकारों को या किसी भी इदारे को हमारे मौलिक समस्या को दूर करने से मतलब नहीं, उनको अपने फायदे से मतलब। तो चूंकि संविधान सबको एक लिखित रूप से हक को प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे लिए वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट के तहत वो आपके लिए नहीं है, वो आम पब्लिक के लिए है। अगर आप पैसे वाले हैं, अडानी अंबानी हैं या और भी पैसे वाले हैं, या टाइम्स ऑफ इंडिया के साहू जैन, वो अभी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो आप एक वेंचर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें भी कई मसलों पर अपना जो प्रॉफिट लेना है वो इनडायरेक्ट लेना है।